हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मैगडी का बर्गर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमें चाहिए 4 बॉइल्ड पोटैटोस, चीज़, केचप, अनियन, कुकुम्बर, टोमेटो के स्लाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बॉइल्ड आलू में सॉल्ट, देन सूखा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च जितना आपका टेस्ट हो। इसमें हम फिर डालेंगे अमचूर पाउडर आधा चम्मच। फिर हम इसमें डालेंगे मटर, मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिए हैं, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। फिर अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, मैंने यहाँ पर 2-3 ब्रेड का को हल्का ग्राइंड कर लिया था। अब इसको हम अच्छे से इसमें धनिया डालेंगे, ग्रीन चिली डालने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मैश, जिससे कि ये सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। गिव इट अ गुड मिक्स। देन अब हमें इसमें क्या बनाना है, हमें इसकी आलू की टिक्की बनानी है जो हमें बर्गर के बीच में रखने के काम आएंगी। तो अब चलिए हम टिक्की बनाते हैं। हम थोड़ी थोड़ी सी इसमें छोटी छोटी सी बॉल लेंगे और उसको अच्छे से टिक्की का शेप देंगे इस तरीके से प्रेस करते हुए, जैसे कि उसमें अच्छे से टिक्कियाँ बन जाएं। मैंने 4 आलू बॉईल किए थे, इसमें मेरी अराउंड 5 टिक्की बन गई हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ब्रेड का क्रम्स था उसको हम इससे पूरा कवर कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमें अपनी सारी टिक्की कवर कर लेनी है, जैसे कि ये जब हम इसको सेकेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगी। अब हम लेते हैं फ्राई पैन, इसको हम गरम करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड 2-3 स्पून रिफाइंड डालती हूँ। अगर आप चाहें, मैं यहाँ पर सैलो फ्राई कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा ये इसमें घी का कम यूज़ होगा, तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर तब फ्राई पैन गर्म हो गया है, तो अब हम यहाँ पर अब डाल देंगे अपनी टिक्कियाँ। मैं 1 by 1 डालती हूँ, जिससे कि आराम से ये अच्छे से सिक जाएँ। तो यहाँ पर अब हम इसे लाइट ब्राउन होने तक हम सेकेंगे, और अब हम इसको पलट के देखेंगे कि हमारी टिक्कियाँ इस तरीके से सिक रही हैं। आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सिक गई हैं, ब्रेड क्रम्स की वजह से बहुत अच्छी क्रंची हो जाएंगी। नो डाउट अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सिकेंगे, बट बिकॉज ऑफ ऑयल हम लोग इसको हल्का सा सैलो फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हमारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखने में ही लग रहा है कि अच्छे से कलर दिया है। अब आप देखिए इस तरीके से ही आप इसको अच्छे से इसको सारी टिक्कियाँ इसी तरीके से सेक लीजिए, जिससे कि ये सब सिक जाए, जैसे कि अब हम इस बर्गर की तैयारी करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेंगे, देखिए इस तरीके से हमने सेक लिए हैं सब टिक्की। अब हम उसी फ्राई पैन में, वैसे तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पर हम हल्का सा इसको सेकने में डाल देंगे। इसमें पहले हम लगाएंगे केचप, केचप के बाद हम इसे स्पून से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम अब यहाँ पे लगाएंगे चीज़, आप कोई सी भी ब्रांड का कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर स्लाइस्ड अनियन, टमाटो लगाएंगे और कुकुम्बर लगाएंगे, और आप इस पर एक साइड टिक्की रख दीजिए और इसको इसके कवर कर दीजिए। मेरा यहाँ पर टूट गया था, बट आप यहाँ पर अच्छे से लगा लीजिए और इसको हल्का सा करछी से प्रेस कर दीजिए। बस आपका बर्गर रेडी है सर्विंग के लिए। तो लीजिए, आपका बर्गर रेडी हो गया है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और टेस्टी टेस्टी यमी यमी बर्गर रेडी है। तो लीजिए, आप इसको केचप के साथ सर्व कीजिए।
खुद और खुद खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। आपका बर्गर रेडी है, एकदम देखने में यमी यमी, टेस्टी टेस्टी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच।